नमस्कार दोस्तों, जिस दिन से रेलवे लोको पायलट का एग्जाम शुरू हुआ है उसी दिन से लगातार ही इस छोटी सी पीडीएफ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। चार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, इस छोटी सी पीडीएफ से ही चार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पूछा गया था, साथ ही साथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था सीवीसी कौन है, एक पूछा गया था चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का नाम पूछा गया था 10 तारीख को। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये भी नहीं पूछा गया है, सीवीसी का नाम पूछा गया था। तो देखो, जितने भी चेयरमैन हैं इम्पॉर्टेंट वाले वो सभी इस पीडीएफ में मैं आपको करवा दूंगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको चेयरमैन का नाम बताना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम है HL दत्तू। ऑप्शन देखकर आप लोग टिक कर देंगे, वीडियो के साथ ही याद कर लेना, 100% आपका मार्क्स पक्का है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन है चेयरमैन? HL दत्तू। दूसरा वाला देखेंगे, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, सैयद गैरुल हसन रिजवी। इनका पूरा नाम ना याद रख पाओ तो केवल ये याद रख लो, हसन रिजवी। फिर से देख लेना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, हसन रिजवी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखना, तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, चेयरमैन बताना है आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये हो जाएंगे रामशंकर कठेरिया। फिर से देख लेना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, रामशंकर कठेरिया। इसके अलावा रेलवे की मैथ के लिए जिन लोगों ने अभी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है अनअकैडमी का, तो जल्दी से प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पर जाकर पूरी मैथ की तैयारी कर लीजिए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आपने पढ़ लिया, रामशंकर कठेरिया। अब आगे देखते हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ध्यान से देखना, वो था शेड्यूल्ड, इसके पहले जो पढ़ा था वो था शेड्यूल्ड कास्ट, अब पढ़ रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगा नंद कुमार साई। फिर से देख लेना, नंद कुमार साई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, ये हो जाएंगी रेखा शर्मा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा। ये वाला क्वेश्चन पहले से ही पूछा जा चुका है लेकिन हो सकता है रिपीट हो जाए। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन है KV चौधरी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये हो जाएंगे RK माथुर, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, फिर से समझना, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया ये हो जाएंगे शेखर बसु। फिर से बता दे रहा हूँ, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया शेखर बसु। ये वाला भी पूछा जा चुका है, चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो जाएंगे KSIVAN। ये पूरी अपडेटेड लिस्ट है तो इसमें लेटेस्ट नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चेयरमैन ऑफ ये भी पूछा गया है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन हैं DP सिंह। अगला है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन, वो हो जाएंगे नरेंद्र कुमार। अगला है डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फिर से देखेंगे, डायरेक्टर बताना है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वो हो जाएंगे तपन मिश्रा। चेयरमैन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट कमीशन NFC, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन के चेयरमैन हो जाएंगे BN किरपाल। और लास्ट है चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये वाला बहुत मुझे उम्मीद है कि पूछा जाएगा, देवेंद्र कुमार सीकरी। अब इसका PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा टेलीग्राम पर, उसका उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।